जाते होंगे। कौन कौन उठता है 5 बजे? आप तो सभी समझदार हैं, आप तो उठेंगे 5 बजे 4 बजे, लेकिन बालकों के जो जो बालक बैठे हैं, कौन कौन उठता है 4-5 बजे? ये भाई लोग बैठे हैं, इनमें से कोई उठता है? आप उठते 5 बजे? बहुत अच्छा। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त का जो ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, क्यों कहा जाता है? आप 7 बजे उठें, आप सूर्योदय के बाद उठें, बाद में उठें, ठीक है, एक उठने का विषय आपकी अपनी दिनचर्या है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति और उस समय उसकी निद्रा खुल जाए तो कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है जिस समय सारे के सारे भगवत भक्त संत जन और जितने भी दृश्य अदृश्य शक्तियां होती हैं उस समय चेतनता में आती हैं। उस समय किया हुआ भगवत भजन, किए हुए अच्छे कार्य, किए हुए सोचे अच्छे मन के विचार, वो तुरंत सफल होते हैं, फलीभूत होते हैं। और कहते हैं उस समय भगवान नव चेतना बांटते हैं संसार को। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवत कार्य में, अच्छे सत्कार्यों में विचार करता है, मनन करता है, भगवत नाम लेता है, उसके जीवन में कभी व्याधि नहीं आ सकती। लेकिन जो महाराज उठेंगे 9-9, 10-10 बजे क्या होगा? सूर्य भगवान जो प्रकाश के देवता है ना, वो नव चेतना देने के लिए प्रथम वेला में उपस्थित होते हैं और हम खाट पर पड़े रहते हैं, बेड पर चद्दर टांग करके। तो ठाकुर जी भी कहते हैं, वाह भैया सोते रहो तुम, और फिर दिन के 12 बजे उठेंगे तो क्या होगा? वो जो चेतनता थी, वो चेतनता ऊर्जा आपको मिल नहीं पाएगी। ठीक है, आप कार्य करेंगे, हो सकता है बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य कर लें, लेकिन आपको एक उमंग नहीं होगी, एक उछाव नहीं होगा जीवन में। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त कोई साधारण नहीं है, इसी में संत ऋषि जागते हैं, इसी में ही भगवत भक्त जागते हैं, इसी में ही अच्छे दान पुण्य सत्कर्म किए जाते हैं। जो कहते ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवत भजन करता है, बालक पढ़ते हैं ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, वो विद्या को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए 3 बजे से 4 बजे के बीच में, 5 बजे के बीच में अवश्य बालकों को अध्ययन करना चाहिए। ये समय होता है जिस समय आपको बुद्धि का विकास मिलता है, प्रकाश मिलता है, स्मृति बढ़ती है, और उस समय अगर आप सो रहे होंगे ना तो ज्यादा दिन नहीं बुद्धू बन जाओगे महाराज। यही समय है कि इस समय अगर आप पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, भगवत भजन करेंगे, तो जो आप अपने मन में किसी भी प्रकार का भाव बना कर रखें वो तुरंत उसमें सफल हो जाएंगे। इस दुनिया में कोई भी कार्य असफल नहीं हो सकता, लेकिन आपका किया हुआ नियम, याद रखिए भगवान को नियम बड़ा प्रिय है। कभी कभी क्या होता है, पूर्व में हम जब बालक थे तो नियम नहीं थे हमारे, अब हमारे नियम हो गए तो अब बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, तो कई कई बार लोग रूठ जाते हैं, उनको लगता है कि पहले तो ऐसे ही कभी भी आ जाते थे, कभी भी कमरे में आ जाते थे तो उनको ऐसे ही मिल जाते थे, लेकिन अब क्या है, अब थोड़े से नियम होने की वजह से थोड़ा समय मिलते हैं, हमने कुछ छोड़ा बहुत ठाकुर जी का बन जाए, अगर उसको छोड़ देंगे तो फिर हमारे पास क्या रहेगा। तो इस बात को आप भी, जहाँ हम भगवत नाम का बोलते हैं अगर उसका थोड़ा भी अनुसरण नहीं करेंगे तो फिर कृपा प्राप्त नहीं होगी ठाकुर जी की। माना कि कथा कहना भी भगवत भजन ही है, लेकिन कहते हैं कथा कहना भगवत भजन है, लेकिन अगर आपने नाम जाप आदि अपने गुरु ऋण का भी कुछ नहीं किया ना, जो आपको जाप मिला है, जो आपको गुरु ने एक नाम दान दिया उसका कुछ नहीं किया, तो फिर आप गुरु पे बोझ बन जाते हैं। इसलिए इस बात के लिए आप बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, आप कर जितना स्नेह पूर्व में था उससे ज्यादा स्नेह आज भी हृदय में बहुत है।